खुला हुआ सर, काली बंगा आया हुआ हूँ भाई, लेकिन किंतु परंतु डर भी लग रहा है लेकिन मजा भी आ रहा है। भद्रकाली माता मंदिर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो मेन रोड से 4-5 किलोमीटर अंदर है। ये सामने है भद्रकाली का मंदिर, अभी मंदिर बंद है भाई, सुबह शाम खुलता है 1-2 घंटे के लिए, बाकी मंदिर बंद ही रहता है। तो बाहर से ही दर्शन कर लिए हैं, अब जा रहे हैं कालीबंगा। कालीबंगा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। पता नहीं बार बार मन में ये आ रहा क्या मिलेगा, रेत ही रेत मिलेगा, खुदाई टाइप में जैसे खोद रखा था कोई जोड़ टाइप में, या कोई म्यूजियम टाइप मिलेगा, पता नहीं यार क्या मिलेगा या क्या भाई। देखने के लिए कुछ है यहाँ पे, कहाँ पे है, आगे है, खुला है और बृहस्पतिवार, ये वाली साइट है, देखा था साइट है ये। तो ये किस तरफ जाने का, अगर वहाँ देखने चाहे तो किस तो साइड में रास्ता निकल जाएगा म्यूजियम के साइड में ही। अच्छा म्यूजियम देख लेना, उसके बाद में ले। अच्छा गांव पूरा ये कालीबंगा गांव है, कालीबंगा इसका इतिहास 1.5 साल पुराना है। अच्छा 1.5 साल है इसको बसे हुए। अच्छा ये 5 साल, अच्छा गांव 150 साल पुराना है, बाकी वर्तमान में जो गांव है वो 150 साल। अभी एक भाई मिला था यहाँ पे कालीबंगा में, विनोद, जिसकी यहाँ पे शॉप थी, जिसके मैं यहाँ बैठा हूँ लगभग 1/2 घंटा। उस भाई ने कॉपी पे कुछ लिख के दिया है कि क्या क्या चीज़ देखने के लिए है यहाँ पे। खुला हुआ सर, कालीबंगा आया हुआ हूँ भाई, यहाँ पे जहाँ पर खुदाई हुई थी और अवशेष मिले थे, लेकिन अभी तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं लग रहा है, उसको ढक दिया है, नहीं तो यहाँ पे अवशेष मिले थे। अभी तो यहाँ पर दूर दूर तक बस यही दिख रहा है पहाड़ी पहाड़, बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा। नीचे यहाँ रोड़ी गिरी हुई है, जैसे मटका होता ना, मटका फूट जाता है, उसके टुकड़े होते हैं, ऐसा कुछ मिट्टी है, ऐसी कुछ रोड़ी टाइप में है, बाकी कुछ नहीं है भाई, देख सकते हो आप दूर दूर तक। अभी अभी जस्ट कालीबंगा देखी है, सबसे पहले कालीबंगा में एक म्यूजियम बना रखा है, जितनी भी खुदाई के टाइम पे चीज़ें निकली हुई थी वो सभी दिखा रखी है, तो उस अंदर वीडियो तो बना नहीं सका, हाँ फोटो बना रखे हैं, उनको आपको एक थोड़ी सी झलक दिखा दूंगा। म्यूजियम के साइड से ही जो जहाँ से खुदाई हुई थी वो साइट बनी हुई है, लेकिन उस साइट पे अब ऐसा कुछ नहीं है, बस पेड़ पौधे लगे हुए हैं और रोड़ी राड़ी पड़ी है, इस टाइप का कुछ खास नहीं है। अब जान के मेंटेन नहीं किया या मेंटेन करना नहीं चाहते थे, मुझे नहीं पता क्या सीन है क्या नहीं है। ये हम विजयनगर में आ गए हैं, यहाँ पर एक भाई है उनसे मिलने आया हूँ। बीकानेर की तरफ जा रहा हूँ, लगभग 150 किलोमीटर है और टाइम हो गया 6:15, तो मे भी 1/2 घंटे में अंधेरा हो जाएगा, तो देखते हैं कितनी दूर और चला जाएगा। जैसे ही थोड़ा बहुत और अंधेरा होने लग जाएगा 10-15 मिनट बाद, फिर कमरा ले लिया जाएगा कहीं ना कहीं पे। कल सुबह बीकानेर पहुंच जाऊंगा, फिर परसों सैटरडे है, उससे अगले दिन संडे है, तो पूछते हैं अगर लॉकडाउन होगा तो 3 दिन बीकानेर में ही रुकना पड़ेगा, और नहीं तो कल बीकानेर घूम के मे भी परसों निकल लेंगे। भाई साहब देखो रेत ही रेत, इस तरफ देख लो रेत ही रेत, बीच में रोड, मौसम एक नंबर का, रोड भी बढ़िया है, मौसम भी बढ़िया है, बस अंधेरा ना हो तो 150 किलोमीटर लगता ही चला देंगे, लेकिन किंतु परंतु 1/2 घंटे में अंधेरा हो जाएगा,
तो हमें कोई कमरा देखना पड़ेगा थोड़ी देर बाद। जो अगला शहर आएगा, कोई भी आए, वहाँ पूछते हैं। सारे कच्चे घर बने हुए हैं, देखो जितने भी घर दिखे ना, सारे कच्चे ए टू जेड। यहाँ से छत्तरगढ़ पड़ रहा है 27 किलोमीटर, 30 मिनट का रास्ता शो कर रहा गूगल मैप। चलो छत्तरगढ़ देख लेते हैं। रोड देखो भाई, एक नंबर का। वैसे बीच बीच में बारिश आ जाए ना, वो नाश कर पीट दे है। और लोकेशन एक नंबर की है, मैं सोच रहा था रुकने की, पर बारिश आ रही है, लेट हो रहा हूँ, रूम भी लेना है, कोई ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं यार कहाँ रुकना, कहाँ जाना, क्या करना है। भाई पूछा यहाँ पे, लेकिन भाई ने बताया धर्मशाला तो कोई नहीं मिलेगा, गांव टाइप में उसने बताया यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। डर भी लग रहा है, लेकिन मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि जो मैं जाता था एडवेंचर करना, अकेला घूमना, वो सब हो पा रहा है। लेकिन यार डर भी लग रहा, अकेले में बाइक में कुछ हो जाए या रास्ते में कोई रोक ले। बिल्कुल सुनसान, कोई नहीं चल रहा है, कोई भी, कई कई किलोमीटर पर जा कोई बंदा दिख रहा है, और बाइक और गाड़ी वाला तो कोई दिख ही नहीं रहा। और इतनी तेज़ हवा चल रही है, दोनों पूरी हिल रही है, इतना सामान लादने के बाद भी। चलो कर रहे हैं एंजॉय, डर लग रहा तो डर रहे हैं, मज़ा आ रहा तो मज़ा ले रहे हैं। देखते कितनी दूर का और ये सफ़र बाकी है।